कम करो है। सुनिए महाराज जी, ये भजन कैसे तैयार हुआ? गीता का अध्ययन करके, गीता का अध्ययन किया गया फिर महाराज का भजन तैयार हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, यथा धर्मम ततज्जय धर्मो रक्षति रक्षिता। रक्षा तो आंखों की करो, कान की करो, धन की करो, जीवा की करो, शरीर की करो, सबकी रक्षा करो, पर सबसे पहले क्या रक्षा करो? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। ये वेद है, ऋग्वेद का मंत्र है। गीता को जोड़ लिया, वेदों को जोड़ लिया और सबका रस निकाल करके आपको पिला रहे हैं महाराज। गीता पढ़ने में बड़ा देर लगती है, वेद पढ़ने में तो पूरा जीवन लगता है। जब हम वेद पढ़ते हैं ना, इस दुनिया की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो कई जन्मों का तप करना पड़ता है, तब जाके वेद पढ़ने को अवसर मिलता है। और जिसे वेद समझ में आया, समझ लो उसने कम से कम 100 जन्मों तक तप किया होगा, उसको वेद समझता है। बाकी मंत्र पाठ हो जाते हैं पर समझते नहीं है उनमें क्या लिखा है। आपको समझाना चाहते, पाठ नहीं कराना चाहते हम। क्यों? रटंती विद्या फलंती नाही, विद्या फलंती नाही। हाय 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 हाय, रट के कैसे फलित होगा? हमें तो फलित करना है, हमें फल नहीं चाहिए, हमें फलित करना है। 2 और 2 4, 8 और 8 16, ये फलित है, फल नहीं है ये। फल और फलित बड़ा फर्क है। आपको फल चाहिए कि फलित चाहिए? जो कर्म का फल चाहते हैं ना, वो बड़े अज्ञानी होते हैं। क्यों? अगर फल ले लिया तो फल को रख देंगे तो सड़ेगा, खाएंगे तो मरेगा। फल तब तक ही फल है तब तक वो मुंह में ना जाता, और एक बार फल मुंह में चला गया तो क्या बचता है जरा बताओ। सुनिए, सेब को मिक्सर में डाल करके पीस लीजिए तो गिलास में भर के पी सकते हैं, और एक बार सेब ये थोपड़े में भर के पीस लिया तो कैसे पिएंगे उसे? ये मुंह किसका है? अपने मुख में सेब को खाके और कटोरी में ले लो और दोबारा खाके बताओ, और मिक्सर में पीस लो। आप खाओ, आपके मेहमान खाओ, आपके गुरु खाओ, आपके जीजा जी खाओ, साले जी खाओ, चम्मच से खाओ। हाय 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 हाय, क्या जूस बनाया है, क्या जूस बनाया है! और खुद के मुंह में जूस बना के कटोरी में लेके तुम ही खा के बताओ। इसीलिए फल की इच्छा मत कीजिए, फलित होने की इच्छा कीजिए। फलित होने का मतलब होता है सफल होना, प्रस्तुत होना, आदर होना, अधीन होना, समर्पित होना, उसके होना। किसके? जिसके हम हैं। आप किसके हैं बताओ? एक भी पत्नी पति की नहीं है झूठी, एक भी पति पत्नी का नहीं है झूठा। नहीं तो पत्नियों को बगल में ले जाके पूछ लो, पतियों को पूछ लो, बेटे को पूछ लो, मां को पूछ लो। एक एक ही पोल खोल देंगे हम। हाथ ऊपर करिएगा, बताएंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, अपने मां बाप से छुपके कहां कहां फोन लगाते हैं। अब ये औलाद कैसे मां बाप की हो सकती है बताओ? पति से अलग होके फिर कहां कहां फोन लगाते हैं, पत्नी से अलग होके कहां कहां फोन चलते पतियों के, मुझे नहीं पता कहां चलते हैं। पर अगर पत्नी से अलग कोई बात चल रही है तो ये पति पत्नी का हो सकता नहीं है। बस खत्म हो गया विषय। इसीलिए अपना कौन है, अपना कौन है?
जिससे कभी अलग हुआ जा सकता नहीं है। हाँ अच्छा बताओ, रावण भगवान का दुश्मन था कि नहीं? हाँ। कंस भगवान का दुश्मन था कि नहीं? हाँ। दुश्मन होके भी जिससे अलग नहीं हुआ गया तो फिर प्यार करके अलग होंगे कैसे? शब्दों में फैसला करते हैं, हमारे साथ में जो है उसका फैसला करो। बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है। सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है। सफल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीच जो बोता है। हाँ धर्म के बीच जो बोता है। हाँ धर्म के बीच जो बोता है। हाँ धर्म के बीच जो बोता है। धर्म के बीच जो बोता है। धर्म के लिए भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन को अपार कष्ट दिया। धर्म के लिए भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में बदनामी को सहन किया, पर धर्म की रक्षा करने के लिए सारे आडंबर किए जाते हैं। धर्म के लिए शास्त्र बनाया है, धर्म के लिए शस्त्र भी बनाया है, धर्म के लिए हस्त बनाया है, धर्म के लिए वाणी बनाई है। ये सारा व्याख्यान धर्म का है। धर्म चला जाता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता है। इसीलिए भागवत कहती है, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा तुझे कार में सोना चांदी हीरे मोती नोटों की गड्डियां भरी हों और कार एक्सीडेंट में ट्रक के नीचे आ जाएं, तो ये जितनी भी चीजें रखी हैं ये बैठने वाले को नहीं बचाएंगी। कार में जब एक्सीडेंट होता है तो कौन हमारे साथ में आता है बचाने के लिए? सफर में काम आएगा। सफर में काम आएगा। गाड़ी चूर चूर हो गई, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर बैठने वाले को हवा नहीं लगी, किसने बचाया? और बताना चाहता हूं, सुनो, कौन बचाता है, मदद कौन करता है? आपत्ति में, विपत्ति में, संकट में, अकेले में, दुख में, दर्द में, ऑपरेशन में, हॉस्पिटल में कौन मदद करता है वो मैं बताऊंगा।
आज तो ऐसा लग रहा है कि संगीत में गाते बजाते कथा के 6 बजने चाहिए, क्यों? कथा तो कैसे भी पूरी की जा सकती है। एक और रह गया, उसे सुन लीजिए। कितनी भी जोर से माँ का नाम ले लो, पिता का नाम ले लो, जीजी जीजा का नाम ले लो, साले साले का नाम ले लो, पर नहीं 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 नहीं, 1000 किलोमीटर से कोई मदद नहीं करने आएगा, परेशानी खुद ही भोगनी पड़ेगी। पर जिनके पास में धर्म की पूंजी रहती है, उन्हें किसी को रास्ते में पुकारना नहीं पड़ता, वो अकेले सेफ रहते हैं, सेफ रहते हैं, सेफ रहते हैं। क्यों? जब हम गाड़ी में चलते हैं तो धर्म बैठ के चलता है, पर गाड़ी में वजन नहीं लगता। साला बैठ के चलेगा तो गाड़ी में वजन हो जाएगा, जीजा भी वजन कर देगा। बिना वजन के साथ में चलता है, बिना बैग बिना सूटकेस के साथ में चलता है, सारे कपड़े उतार दो नग्न हो जाओ तो भी साथ में चलता है, कोई बंदूक से निशाना लगा रहा हो सामने आके खड़ा हो जाता है, नहीं दिखता है, गोली मिस हो जाती, बम मिस हो जाते हैं। इसीलिए व्याख्या चल रही है, बड़ी बड़ी पंक्तियां हमारे पास में। जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, और दो गज कफन का टुकड़ा अपना लवा तो होगा। ₹5000 का सूट पहना है, ₹5000 के सूट को पहन के अगर कोई मर जाए ना, तो ये घर वाले शमशान तक उसको भी नहीं जाने देते। मरे आदमी का निकलता नहीं है तो कैंची से काट के निकाल के फेंक देते हैं, और अंत में वही करते हैं जो मैं कह रहा हूं। सबसे कम कीमत वाला कपड़ा हमारे ऊपर डाला जाता है। सत्यनारायण की कथा के लिए जो कपड़ा आता है ना, वही डेड बॉडी के लिए आता है, क्योंकि भगवान के घर जा रहे हैं तो वही चलेगा, वहां महंगा कोई भी चीज चलती नहीं है। क्यों? गए बहोर गरीब नवाजू सकल अवल साहिब रघुला। See ya.
आप तो समाधि में चले गए सब, हाँ? ये तो समाधि का विषय है, इसलिए हैरानी और अचंभा बिल्कुल नहीं है। अगर भक्त समाधि में नहीं जाएगा तो आनंद और सुख कैसे मिलेगा और इसे क्लेश से कैसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए जीवन में सत्संग होना, सत्पुरुष होना, सद्गुरु होना और नित्य यही प्रवचन उपदेश जीवन में अपने कानों में जाना, उसी से ही शांति का दर्शन होता है, उसी से सुख का दर्शन होता है। सुख और शांति के लिए बहुत सारे उपाय हम करते हैं, लोग करवाते हैं, पर वास्तविकता यह है कि शांति तब ही मिलेगी जब हमारे खुद के विचार शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि किसी किसी घर में क्या रहता है, कभी कभी कोई चूहा मर जाता है, और चूहा मिलता नहीं है, फिर मर गया तो ढूंढते रहो ढूंढते रहो और बड़ी बास मारती है। तो लोग इतने होशियार हैं कि चूहा नहीं मिल रहा तो परफ्यूम मारते रहते हैं, घर में सेंट छिड़क दिया, अगरबत्ती लगा दी और धूप बत्ती लगा दी तो उनको लगता है कि बास गई, और जैसे अगरबत्ती राम राम करती है तब फिर चालू हो जाती चूहे की बास। कुल मिलाकर कहना यह है कि जितने भी जंतर मंतर पूजा पाठ हैं ये सब अगरबत्ती की खुशबू हैं। जब तक वो असली गंदगी चूहा निकल के बाहर नहीं जाएगा तब तक असली हवा नहीं मिलेगी। अगरबत्तियों से तो थोड़ी देर सुगंध आती है, असली सुगंध तो हिरण की नाभि में है। कहां पर है? नाभि में। किसकी? हिरण की। हिरण की नाभि। ऋग्वेद के पहले मंडल का चौथा श्लोक मंत्र बोले, उसमें क्या लिखा है? यस्मिन् ऋचा साम युंसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिन् चितम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारे निवास के पास में एक विद्यालय है, वहां से मंत्र सुनता रहता हूँ सुबह सुबह माइक में विद्यार्थियों का। तो एक मंत्र मैंने भी पाठ कर लिया अयोध्या में आके। जय हो। अभी भाई सुनेंगे सीखेंगे तो ही तो मिलेगा। कल हमारे विनय जी आए थे सांसद जी, उन्होंने कहा कि महाराज जी कथा सुनाइए भी और कथा सुनिए भी। तो हमने कहा आपकी बात को मानेंगे क्योंकि हम तो पहले से मानने वालों में से हैं। मान लिया, सुन लिया, सुन लिया तो आज कह दिया। पर सुनिए, बात ऐसी है, ब्राह्मणों ने मंत्र सुनाया है, अर्थ थोड़ी सुनाया है, अर्थ तो हमने किया है उसका। कैसे? जैसे हमने कहा कि असली खुशबू कहाँ रहती है? हिरण की नाभि में रहती है। और वो कहाँ कहाँ ढूंढता है? हाँ, आप कहाँ कहाँ ढूंढ रहे भगवान को? अच्छा, सुख कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? आनंद कहां कहां ढूंढ रहे हैं आप? शांति कहां कहां ढूंढ रहे हैं आप? नारद भी तुम्हारी तरह भ्रम में पड़ गए थे, चारों धाम तीनों लोक ढूंढ लिए नारद ने, पर हरि का पता कहीं नहीं पाया। और हरि कहां मिले नारद को बाद में? अरे रे 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 रे, बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहाना पड़ेगा तब जाके कोई एक इंसान बनेगा। सब कुछ बन जाते हैं जी, ये कॉलेज में चले जाओ इंजीनियर बन जाएगा, उसमें चले जाओ डॉक्टर बन जाएगा, इसमें आ जाओ वकील बन जाएगा, वहां चले जाओ विद्यार्थी बन जाएगा, यहां चले जाओ कारीगर बन जाएगा। पर पूरी दुनिया में भी घूम के मनुष्य बन सकता नहीं। हाँ, और बनना क्या चाहिए? मनुष्य। इस दुनिया का प्रथम पुरुष, मैथुनी सृष्टि का प्रथम पुरुष महर्षि मनु कहते हैं यथा मनुर्भवः। साधु नहीं बनेगा चलेगा, संत नहीं बनेगा चलेगा, ज्ञानी नहीं हुआ चलेगा, भगत नहीं हुआ चलेगा, सुंदर नहीं हुआ चलेगा, सब कुछ चलेगा, पर मनुष्य नहीं हुआ तो अगले जन्म में कुत्ता बकरी भैंस बनना पड़ेगा। इसलिए इसी जन्म में मनुष्य हो जा जिससे अगले जन्म में देवता हो जाएगा। सुनिए,
आपने किसी पुलिस वाले को होमगार्ड होते देखा है? होमगार्ड को पुलिस होते देखा है? पर पुलिस वाला सिपाही होमगार्ड नहीं होता है। आप तो पहले से जन्म से ही सैनिक है, जन्म से ही मनुष्य है, पर कुछ छोटे छोटे स्वार्थों के कारण आपने अपनी मानवता की चादर को उतार दिया है और कहीं न कहीं आपने पशु रूपी चादर और राक्षस रूपी चादर, अज्ञान की चादर, अंधविश्वास की चादर, अबोधता की चादर, अविवेकता की चादर, अंधकार की चादर, अश्रद्धा की चादर ओढ़ के रखी है, जिसकी वजह से घर में सब भगवान विराजमान है फिर भी तुम्हें संतुष्टि और तृप्ति नहीं है। अच्छा बताइए ईमानदारी से, तुम्हारी माँ की सौगंध बूढ़ी वाली की तुम सही न बताओ? अब सौगंध रिजेक्ट माल की देने का, जो काम की चीज है उसकी सौगंध भी नहीं लेना कभी कभी। सौगंध किसकी लेना जिसका कोई काम नहीं है? हाँ, मैं इस कचड़े की सौगंध लेती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ऐसा ठीक है। पर कोई की कहती मैं तो गुरु जी की सौगंध लेके बोलती, मैं सही बोल रही? इतने सुंदर गुरु जी को काहे को लपेट रहे? तुम्हारे घर में दुनिया भर के काले पीले पड़े, उनकी सौगंधे खाओ। विश्वास मोटा हो जाता है जी। भाई देखो, आपको मालूम है क्या, कैकेयी की बुद्धि जब बिगड़ गई थी तो उसने राम की सौगंध कहलवाई थी दशरथ से, इसीलिए विश्वास के लिए साधु महात्मा और भगवान की सौगंध ले ली तो थोड़ा विश्वास बैठता है सामने वाले को। मैं पप्पा की सौगंध लेती, मैं मेरे पति की सौगंध लेती तो सामने वाला बोलता नहीं नहीं ये तो ऐसी सौगंध तो रोज चलती रहती है। किसी अच्छे की सौगंध ली तो सब पड़ोसी को विश्वास बैठ जाए, केके को भरोसा हो गया कि अब वचन पूरे होंगे राजा दशरथ के यहाँ से, क्योंकि राम जी की शपथ लेना मतलब कितना कठिन काम है। पर याद रखिए, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ही राधा राम जी की, कृष्ण जी की और सतगुरु की शपथ ली जाती है। जब बुद्धि श्रेष्ठ होती है तो केवल संकल्प लिए जाते हैं, शपथ नहीं ली जाती है। संकल्प लीजिए, सौगंध मत लीजिए, संकल्प चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आगे का मंत्र सुनिए, एक मंत्र से बात पूरी नहीं होगी। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, उसके आगे के मंत्र में क्या कहा प्रभु ने सुनिए। सुसारथी रस्वा, सुसारथी रस्वा इन मनुष्या ने नियते भी सुभ्रवाजिन इव ऋत्प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दूसरा मंत्र वैसा इलाके रख दिया। भगवान कहना चाहते हैं सुसारथी रस्वा इन मनुष्या, हे मनुष्य तेरे अंदर मैंने चारों वेदों का ज्ञान, चारों वर्णों का ज्ञान, चारों धर्मों का ज्ञान, चारे वस्तुत्व का ज्ञान, चारों युगों का ज्ञान, चारों प्रहरों का ज्ञान, चारों आश्रमों का ज्ञान मैंने तेरी नाभि में रखा हुआ है। अरे पोटली खोल ले। कैसे? सुसारथी रस्वा इन मनुष्या ने नियते। सारथी तो बहुत देखे हमने, सारथी तो बहुत देखे है, पर जंगल के रास्ते में रात के 12 बजे गाड़ी बंद हो जाए, बिना मिस्त्री के ड्राइवर गाड़ी को ठीक करके चालू करके घर पहुंचा दे, उसको सुसारथी कहा गया। गुरुजी गाड़ी बंद हो गई है, चालू नहीं हो रही है, अब क्या करूं? ये कौन है? ये सारथी है, सारथी। और भगवान क्या कहते? सुसारथी रस्वा इन मनुष्या ने नियते भी सुभ्रवाजिन इव ऋत्प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक और मंत्र है तीसरा, उसे भी सुनिए। सुसारथी यत्र यत्र भ्रमते यत्र यत्र नयते सुसारथी ही। मनुष्य बनने के लिए
मनुष्य बनने के लिए हमको ही अपना सुसारथी बनना पड़ेगा, खुद का। दूसरों की गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अपनी गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात है। दूसरे की गाड़ी गोबर में चली जाए, कीचड़ में चली जाए, कोई खुरच के चला जाए, कोई खोट के चला जाए, चलता है। पर अपनी खुद की गाड़ी रहती है तो कैसी चिंता रहती है। गाड़ी बाहर खड़ी है तो अंदर कमरे में चैन नहीं पड़ता। मालिक को देखो, बालक तो नहीं लग रहे, गाड़ी के पास कोई आया तो नहीं। हम महाराष्ट्र वाले सब लोग भाड़े की गाड़ी लाए हैं, एक को भी चिंता है क्या? बढ़िया तरह से दो सब्जी खाके, सलाद खाके ऐसी नींद निकालते रात को कि मेरे कमरे तक भी आता एहसास। अपनी गाड़ी रहती तो कितनी चिंता रहती है। रात को उठ के 2 बजे, अरे खिड़की में से देख ले कहीं बंदर शीशा तो नहीं तोड़ गए, कहीं वायर तो नहीं खींच गए। दूसरे की गाड़ी की चिंता कम रहती है, अपनी गाड़ी की चिंता अधिक रहती है, ऐसा शास्त्र समझ रहा है। पर मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको दूसरों की फिक्र हो सकती है पर खुद की फिक्र नहीं है, क्योंकि जो तमाकू खा लेता है वो अपनी गाड़ी की फिक्र कैसे करेगा। इतना छोटा सा टुकड़ा मिट्टी का, पत्थर का, कपड़े का, लकड़ी का अगर हमारी गाड़ी के डीजल के टैंक में चला जाए तो गाड़ी चलने से ना बोलती है। लोहे की गाड़ी को इतना कचरा नहीं चलता। पेट्रोल पंप में फिल्टर डालने वाली मशीन में फिल्टर, हमारी गाड़ी के टैंक में फिल्टर, इतनी जगह छन कर पेट्रोल पड़ता है तब जाके हमारी गाड़ी ग्रहण करती है। और ये शरीर रूपी तुम्हारी जो गाड़ी है इसमें तुम कचड़े पे कचड़ा, कचड़े पे कचड़ा कैसे सहन करेगी। एक दिन जाके ये गाड़ी जब रुकेगी तो कोई भी डॉक्टर इस गाड़ी को फिर तैयार नहीं कर सकता। इसीलिए एक और भजन गुड़गुड़ 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 अंदर अंदर आवाज कर रहा है, महाराज जल्दी बाहर निकालो। अपनी गाड़ी को संभालिए। चली जा रही है, हाय रामा, हाय चली जा रही है, और ये जीवन की रेल। तमाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ वाले सावधान। चली जा रही है और ये जीवन की रेल, हाय खिलौना समझ कर इसे तू न कह। इसे तू न खेल, खिलौना
गाड़ी के बारे में व्याख्यान करूं क्या? कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अकलमंदी से इसको चलाया, बड़ी अकलमंदी से इसको चलाया, कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, कुशल कारीगर ने इसको बनाया, बड़े अकलमंदी से इसको चलाया, बड़े अकलमंदी से इसको चलाया। स्वामी जी, डीजल पेट्रोल का भाव कम होता जा रहा है, सरकार सुन रही है थोड़ा थोड़ा किसानों का, इसीलिए मनुष्य रूपी गाड़ी में जो डीजल डलता है ना, उसकी कीमत कोई दे भी नहीं सकता और उसे कोई ले भी नहीं सकता। जरा सुनिए डीजल का नाम क्या है, एक इंडियन का डीजल है, एक एचपी का, एक भारत का, पर इस गाड़ी में अलग ही प्रकार का डीजल है। जरा फिर से, कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, कुशल कारीगर ने इसको बनाया, बड़ी अकलमंदी से इसको चलाया, बड़ी अकलमंदी से इसको चलाया। पढ़ता है इसमें, पढ़ता है इसमें कर्मों कटे चली जा रही है, खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर इसे यो न चले जा रही हल्का हल्का अब समझा समझा के। रेल में बैठ जाओ, रोज सफर करने वालों को कोई न कोई मेहमान रिश्तेदार रास्ते में मिलता ही रहता है। मनुष्य रूपी गाड़ी में बैठ के क्या क्या मिलता है वो सुनिए। कोई इससे जाए, कोई इससे आए, कोई इससे जाए, कोई इससे आए, दीप है मुसाफिर, जगत है सराय, दीप है मुसाफिर, जगत है सराय, दीप है मुसाफिर, जगत है सराय, है मुसाफिर, जगत है सराय, जीव है मुसाफिर, जगत है सराय, जीव है मुसाफिर, जगत है सराय। बड़ा लाभ प्राप्त होता है इससे, होता है इससे, होता है इससे जन्मों का मेल, चले जा रही है।
किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर एक पुत्र ने जन्म लिया। 20-22 साल के बाद वो बेटा किसी एक कन्या का पति बन गया। बताओ ये कैसे संयोग हुआ? एक माने किसी के साथ शादी कर ली लड़की ने, बाद में वो एक पति के साथ रहने लगी, उसके पेट से एक बच्चे ने जन्म ले लिया, वो जन्म बाहर लेके आया, वो माँ बन गई, वो बेटा बन गया, और बच्चे से पहले वो माँ थी नहीं, वो बेटा था नहीं, ये क्या है? लड़की कहां पैदा हुई, लड़का कहां पैदा हुआ, कोई किसी को जानता? होता है इससे जन्मों का मैल, चली जा रही है ये जीवन की रे। खिलौना समझ कर इसे यौन खेल, चली जा रही है ये जीवन की रे। इसलिए हम प्रणाम करते हैं महर्षि मनु को, जिन्होंने हमें आदेश दिया है मनुष्य बनने का। ऋषि और महर्षियों का आदेश का पालन जो व्यक्ति करता है वो मनुष्य था, मनुष्य है, और मनुष्य ही संसार से मुक्त हो जाएगा। और जिसने ऋषि महर्षियों के आज्ञा का पालन नहीं किया है वो मनुष्य में नहीं था, मनुष्य में है नहीं, मनुष्य रहेगा भी नहीं। पीला कपड़ा पहनने से, लाल कपड़ा पहनने से हमारी चमड़ी लाल पीली नहीं होती है। कपड़ा उतार दिया तो चमड़ी का असली रंग दिखाई पड़ता है। इसीलिए मानव का चोला धारण करके हम मानव नहीं बने, ऐसा भागवत कहती है। मानव बनने की ये क्लास है जहां पर आप बैठे हो। अगर ये क्लास में दिया हुआ टीचर्स ज्ञान जो है, जो आपको टीचर्स का जो बोध दिया जा रहा है, जो लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, जो आपको ट्यूट किया जा रहा है, अगर ये समझ में आपको आ गया तो आप हो सकता है कि अपनी मानवता में धारण कर लो, अपने आप को समझ लो। और जिसने खुद को नहीं समझा वो जगत को क्या समझेगा, वो प्रभु को क्या समझेगा? खुद में ही खुद खो जाओगे तो खोया हुआ राम तुम्हें मिल जाएगा। जिसे खुद में खोने की आदत नहीं है उसे खोया हुआ राम कभी भी मिलने वाला। ढूंढते रहिए, इन आंखों से राम किसी को मिला है? इन कानों से, इस जीभा से? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। खुद में खोना पड़ता है। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ, अपने पिता से भागवत का ज्ञान लिया, नर्मदा जी के तट पर भागवत का ज्ञान लेकर भागवत को और दिव्य करने के लिए साधना तप करने चले गए। भागवत का जब कोई वक्ता, भागवत का जब कोई ब्राह्मण विद्वान तप करता है, तप का मतलब होता है भागवत में दिए हुए आदेश का पालन करना। भागवत का तप ये नहीं है कि बार बार किताब खोल के पढ़ते रहो, ये तप नहीं है। भागवत का तप होता है भगवत, भामंजे भक्ति, गामा ने ज्ञान, बामा ने वैराग्य और तामा ने तरण। ये चार का साधन जो वक्ता खुद के लिए जुटा लेता है वही सुखदेव का रूप धारण करता है, वही भागवत का वक्ता ही बनता है और उसका ही भागवत कल्याण करता है। नहीं तो लाखों करोड़ों वक्ता हैं भारत में, वक्ताओं का कल्याण नहीं तो श्रोताओं का कैसे होगा? इसीलिए शिव जी जैसा वक्ता होगा तोता जैसा श्रोता भी ब्राह्मण बन जाएगा। कितने भी नादान रहिए, वक्ता जब शिव जैसा होता है तो तोते जैसे श्रोता